कृपा करने की कृपा करें। संस्थान के जो सदस्यगण हैं, साधारण आजीवन और संरक्षक, साधारण सदस्य जो प्रतिवर्ष संस्थान के 50 रुपये देते हैं, आजीवन सदस्य जिन्होंने 1000 रुपये देकर सदस्य बना है, और संरक्षक सदस्य, वे यहाँ आकर माइक रूम में बैठक की हाजिरी रजिस्टर में अपने दस्तखत कर लें। पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, इस संस्थान की स्थापना सन 1977 में हुई। 75 में इसके लिए संकल्प हुआ और मूल संकल्प शुरू में ये था कि पुस्तकें काशी में छपती। धीरे धीरे पुस्तकें बढ़ रही हैं, अपना प्रेस होना चाहिए, ये समाज भर का विचार था। फिर ये बात पकती गई 75 में और ये भावना बढ़ी। 75 के आखिर में जमीन देखी गई, 76 में और गतिविधि बढ़ी, 77 में स्थापना हो गई। मैं और प्रेम प्रकाश जी कलकत्ता में बैठकर विचार किए, वहाँ जगह जगह ऑफिसों में गए कागज़ के लिए कैसे कागज़ बनाया जाए। मैंने पहले कह दिया कि मेरे नाम से कुछ नहीं होना चाहिए। संस्था जब कायम हुई तो यहाँ एक कौड़ी नहीं थी। 1000 रुपया लेकर के मैं संस्था कायम करने आया था और मैंने कहा शुरू से ही ऐसा करो कि मेरे नाम कुछ न रहे। अब ऐसे हुआ। प्रेम प्रकाश जी एक एक शब्द बोले, उनकी पत्नी ने लिखा और यहाँ के नियम और कागज और पर्चे फार्म सब बने कलकत्ता में और छाप करके यहाँ भेजा। उनकी सूझबूझ, अनुभव, निष्ठा, एक रस श्रद्धा और गहरी समझ की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वे 63 में बढ़ारा आए अपनी माँ के साथ। उनकी माँ काशी आई थी तो विवेक प्रकाश टीका खरीद ले गई थी। माता और पुत्र दोनों पढ़े, फिर बढ़ारा आए, हमारे गुरुजी से दीक्षा हुई, फिर बुलाए तो मैं 64 में गया, सवा महीने वहाँ रहा कलकत्ता में। प्रगाढ़ता बढ़ती गई, पारक प्रकाश 71 में स्थापित हुआ, आरंभ हुआ कलकत्ता में, तो मुझे 2 महीने साल में वहाँ रहने का अवसर पड़ने लगा, दिसंबर में और जून में। 85 में जब पारक प्रकाश यहाँ आया तब से फिर 1 महीना रहने लगा और गुरु पूर्णिमा यहाँ मनाए जाने लगा, इसलिए 20-25 दिन हो गया। तो भी 20-25 दिन वहाँ हर साल रहता हूँ। प्रेम प्रकाश जी यहाँ वर्षों से 2-2 महीना रहते हैं। इस वर्ष वे 1 ही महीना 1.25 महीना रह पा रहे हैं। अब
सौ में केवल 13 वर्ष बाकी है उनका जीवेम श्रद्धा सतम, लेकिन इस उम्र में भी अकेले वहां से चल देते हैं, अकेले आ जाते हैं। ऐसी निष्ठा, ऐसी समझ, किसी भी निष्ठा और समझ की परख होती है एक रस बने रहना, एक समान सब समय। इस संस्था के नींव में प्रेम प्रकाश जी हैं और ऊपर भी हैं, नींव ही में केवल नहीं है। यहाँ के साधु ब्रह्मचारी समर्पित भाव वाले, कोई व्यक्तिगत पैसा साधु हमारी इकट्ठा नहीं करते, जो कुछ उन्हें मिलता है सब संस्था में दे देते हैं, अपना थोड़ा खर्चा बर्चा के लिए रखते हैं। आपस में इनका संगठन बढ़िया, इनमें विवाद नहीं होता है। जैसे धर्मेंद्र है, गुरछेम है, गुरभूषण है, सत्येंद्र हैं और भी गुरवेंद्र और कई लोग हैं, सब गुररमण, जितने भी जो कोई संस्था में मैनेजिंग बॉडी में है नहीं है, वो तो मैनेजिंग बॉडी तो एक रूप है, इसलिए किसी का नाम होता है, उसमें कुछ फर्क नहीं। देवेंद्र हैं, देवेंद्र मैनेजिंग बॉडी में नहीं है, गुररमण नहीं है और कई लोग नहीं हैं, बहुत लोग हैं, मैं ही नहीं हूँ लेकिन उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी थोड़ा सा इशारा दे दिया जाए सब इस्तीफा दे करके रख देंगे और काम करेंगे, किसी को पद की इच्छा नहीं है, सब सेवा करते हैं, आपस में विवाद नहीं करते हैं किसी बात में विमत होता है तो विचार करके उसको सुलझा लेते हैं, झगड़ा और विवाद आपस में नहीं। न पद का लोभ है न धन का लोभ है, लोभ ही पाप का बाप है। हमारा बड़ा पद हो, हम धन इकट्ठा करें व्यक्तिगत, हमें सम्मान मिले, हम ही गुरु बने, ये तृष्णा जहाँ होती है वहाँ विवाद शुरू हो जाता है, और जहाँ ये कोई तृष्णा ही नहीं है विवाद नहीं होता। किसी भी संगठन की नींव है निर्माण निष्काम हो करके समर्पित काम करना, चाहे घर हो, परिवार, संस्था, पार्टी, कंपनी, कहीं भी जहाँ कुछ लोग मिल करके कोई उन्नति का काम करते हैं, उसके मूल में यही है कि जितने उसमें घटक हैं सब निष्काम और निर्माण हो, अपने लिए कुछ न चाहें, सेवा करें, तो विवाद होने कोई प्रसंग ही नहीं। जहाँ अपने बड़ा माने, जहाँ अपने कुछ चाहे, विवाद शुरू होगा, और विवाद शुरू होगा चाहे संस्था हो, चाहे परिवार हो, चाहे पार्टी हो, चाहे कंपनी हो, वो सब नष्ट होगा। 30 वर्षों से संस्था चल रही है, एक पौधा के रूप में आरंभ हुआ। प्रथम अधिवेशन प्रीतम नगर के आश्रम में जब आप प्रवेश करें तो बरामदा, और बरामदा के बाद बैठक जिसमें हरदम गद्दी बिछी रहती है, लोग आते हैं, बैठते हैं, किताबें खरीदते हैं, उसके उत्तर तरफ का कमरा वही हमारा सभागार था प्रथम अधिवेशन का, और 5-6 लोग उसमें बैठ करके हम लोग विचार किए। तो मैंने कहा कुछ कहो, कोई कोई नहीं कहा, तो मैंने कह दिया 5-7 मिनट, संस्था का रूप बता दिया। तो जो भक्त आए थे काशी से, वो कहे इससे साफ और क्या हो सकता है। प्रथम अधिवेशन उस कमरे में हुआ था जिसमें 7-8 लोग रहे होंगे, दूसरा अधिवेशन छत पर हुआ,
जो वहाँ का सभागार है, उस समय सभागार रूप नहीं था। तीसरा अधिवेशन फिर मैदान में वहाँ हुआ, फिर होता गया। इस प्रकार एक पौधा के रूप में ये पनपा, और साहित्य कारण होने से इसका प्रकाश सर्वत्र फैला। साहित्य बहुत बड़ा साधन होता है, देश में और विदेश में भी। विदेश में भी हमारी पुस्तकें जाती हैं। अभी कुछ महीने के पूर्व 10,000 का ड्राफ्ट अमेरिका के एक बुकसेलर ने भेजा, और वहाँ केवल इंग्लिश पुस्तकें गई। ऐसे भी माध्यम से भिन्न देशों में जाती है, अब देश में तो सर्वत्र फैलती ही है। इसलिए साहित्य का काम पारक प्रकाश पत्रिका का काम होने से सदूर कबीर के विचारों के फैलने में काफ़ी काम हुआ। और इसके मूल में है जो परस्पर निष्काम निर्माण हो करके समर्पित काम करना। इसके लिए मैं लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और यही शुभकामना करता हूँ कि आपस में सदैव संगठित रहे। मेरा भी 8वां दशक चलता है, प्रेम जी का 9वां दशक है, 14 बरस हमसे बड़े हैं वो। मेरा भी 8वां दशक चल रहा है। 8वां दशक जीवन का आखिर माना जाता है। तो जो और लोग पीछे वाले हैं उनके लिए यही शुभकामना है और आशीर्वाद है कि वे सदैव आपस में संगठित रहें, जैसे वर्तमान में हैं ऐसे आगे भी रहें। और कुछ कोई न चाहें, न पद चाहें, न धन चाहें, न सम्मान चाहें, कुछ न चाहें। कुछ न चाहने से फिर तो आदमी सम्राट हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। ये स्थिति रहेगी जब तक, तब तक विकास होगा। और आप लोग भी प्रेरणा लें कि कहीं की भी उन्नति के लिए इसी की जरूरत है। परिवार में भी जब खींचतान होता है परिवार नष्ट होता है। खींचतान क्यों होता है? धन पद मलकई ऐश्वर्य की व्यक्तिगत कामना से, और ये कामना छोड़ दिया जाए बस आनंद आनंद है। ये मैंने संस्था के संबंध में थोड़ी चर्चा की। ये संस्था परमार्थ के लिए है, आत्मज्ञान के लिए है, मोक्ष के लिए है, दुख दूर करने के लिए है। उसकी प्रेरणा यहाँ से दी जाती है, इसलिए यहाँ के लोग उसमें आगे रहें, खुद वे साधना परायण रहें। ये आश्रम वैरागवान साधुओं का है, भक्त लोग आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं। स्थिर अस्थाई विरक्त लोग रहते हैं, गृहस्थ विरक्त दोनों का है। लेकिन गृहस्थों को इतनी फुर्सत नहीं है कि यहाँ आके बैठे रहें, आते हैं और चले जाते हैं, है दोनों का। यहाँ का तो ऐसा नियम है कि किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति आए और किसी भी लौकिक जाति बिरादरी कुछ पूछा नहीं जाता है, सबका आदर होता है। बिरादरी एक ही है, मनुष्य की बिरादरी, दो बिरादरी है ही नहीं। संप्रदाय जितने हैं काल्पनिक हैं, सब साधक साधक हैं, सबका समान आदर है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये संस्थान बना है, यहाँ के साधु ब्रह्मचारी साधना परायण रहें, वैराग ज्ञान भक्ति में पारगत अपने को करें। वाणी से प्रचार होता है, उनके चरित्र से भी लोग लाभ लें। दया क्षमाशील विचार निष्काम निर्माण
संतोष धीरज से रहना चाहिए, ये कोई भी कह सकता है। अब ऐसे कहने वाले लोग संत महात्मा स्वयं निर्माण ना हो, निष्काम ना हो, निष्क्रोध ना हो, निर्लोभ ना हो, तब फिर कहने का मतलब क्या? ऐसी स्थिति में चाहे विरक्त साधक हो चाहे गृहस्थ साधक हो, यही समझेगा कि ये कहने सुनने का तरीका है, इससे कहने सुनने में थोड़ा आनंद आता है। लेकिन ऐसा कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि कहने वाला ही विकारी है, वो निर्विकारी नहीं है। तो अध्यात्म के विषय में साहस नहीं होता है, और हम अपने लक्ष्य को पाएंगे ये साहस नहीं होता है। लेकिन जब वो देखता है कि ऐसे व्यक्ति हैं जो निष्काम हैं, निर्माण हैं, निर्मल हैं, जिनका जीवन दिव्य है, तब साधकों को साहस होता है कि हम भी साधना करें तो ऐसा हो सकते हैं। इसलिए ज्ञान का प्रवचन, ज्ञान का लेखन प्रकाश समाज को देता है। प्रवचन सुनकर के लोग प्रेरित होते हैं, पुस्तक पढ़ करके प्रेरित होते हैं, लेकिन सजीव सचैतन्य व्यक्तित्व और निर्मल है तो बहुत बड़ी किताब है वो, और उससे जो प्रेरणा होती अमोघ होती। गृहस्थ लोग साधुओं के पास एक ही बात के लिए आते हैं, शांति के लिए, संत विवाद रहित, कलह रहित, परदोष दर्शन की दृष्टि से रहित, परधन हरण की दृष्टि से रहित, संयमशील शीतल हैं। भक्त लोग आते हैं वहाँ शीतलता पाने के लिए, उनके दर्शन से, उनकी वाणी से, उनकी संगत से हमारे मन में शीतलता आएगी। अगर कहीं साधु गुरु कहलाने वाले कलह प्रिय हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे के दोष देखते हैं, झगड़ा करते हैं, लोभ छोभ करते हैं, सब बात में कामना और अहंकार में डूबे हैं, तब गृहस्थ लोग कहाँ जाएंगे? गृहस्थ साधु से एक ही बात चाहते हैं, साधुता। कोई साधु अपने मुख में ग्रास न डाले तो भक्त लोग उनके मुख में डाल के खिलाने वाले तैयार हैं, सारा काम कर देने के तैयार हैं। लेकिन उनसे प्रेरणा चाहते हैं, इसलिए साधु अपनी जिम्मेदारी को समझें। साधु को अगर भोजन न मिले एक दो दिन तो कोई तौहीन ही नहीं, गृहस्थ को भोजन न मिले, लोग जाने कि इनको भोजन नहीं है, तो लौकिक दृष्टि से तौहीन ही है, ये बेचारे इतने गरीब हो गए, अन्न भी नहीं मिला, साधु को न मिले कोई तौहीन ही नहीं, साधु तो साधु ही है, नहीं था नहीं खाया। साधु की तौहीन ही है जब वो राग द्वेष में हो, कलह में हो, मनोविकार में हो, काम क्रोध लोभ मोह में हो, तब उसकी तौहीन ही। जो घर छोड़ करके विरक्त हो जाते हैं उनको शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और अपना परिवार दूसरा परिवार बराबर हो जाना चाहिए, दुर्व्यसन मुक्त विरक्त सदगुरु के चरणों में समर्पित हो। विरक्त साधक सदगुरु के चरणों में समर्पित हो। कोई सदगुरु का चुनाव करे जो विवेक वैराग संपन्न है। खाली घर छोड़ने से काम नहीं होगा, सलिल धार नदिया बहे पांव कहाँ ठहरा है, पांव कहाँ ठहरेगा, मन की वासनाएं बहा ले जाएंगी। इसलिए जो घर छोड़ करके कपड़ा पहन लिए और मनमानी घूमते हैं मर्यादाहीन, वे अपना विनाश करते हैं। गुरु बनने की चेष्टा, महंत बनने की चेष्टा, मनमानी खाएं पिएं, नियम विरुद्ध रहें, उनका विनाश है। ऐसे लोगों को घर में रहना चाहिए, विरक्त हो
तो किसी विरक्त सदगुरु की शरण में जाए और सिर दे करके उनके पास रहे, उनके नियमों में चले और साधना करे, सेवा करे, स्वाध्याय करे, अपने को साधे। इस ढंग से वो रहेगा तो उसका व्यक्तित्व अपने आप आध्यात्मिक हो जाएगा और फिर ऐसे ही साधक दूसरे के आधार बनते हैं। आगे चल करके प्रौढ़ हो जाने पर दूसरे के हित करते हैं, लेकिन अपना हित किए बिना दूसरे के हित कोई कैसे कर सकता है। इसलिए साधु संतों की जिम्मेदारी है कि वह साधना परायण हो, उनके जीवन में विवाद न हो, कलह न हो, लगाने बजाने काम, कलह करना, चीजों को लेकर के लोभ छोभ करना, अहंकार करना, ये सब साधु का लक्षण नहीं। गृहस्थ लोग ऐसे अच्छे संतों की संगत पा करके जो पात्र होते हैं वे आगे बढ़ते, कम पात्र होते हैं उसके अनुसार वे लाभ लेते हैं। योग्यताओं में अंतर है। पानी समुद्र में पूरा भरा है, लेकिन जैसा जिसका पात्र है उतना ही पानी उसमें आएगा। इसी प्रकार साधना के क्षेत्र में उतरे हुए गृहस्थ भक्त कोई भी हो, अपनी पात्रता जितनी बनाएंगे उतना वो ग्रहण होगा। पात्रता खुद बनाना पड़ेगा, लेकिन सत्संग से लाभ सबको होता है, कपटी को नहीं होता। कपटी है तो सत्संग में 12 बरस रहे तो कुछ बिगाड़ करेगा, अच्छा काम नहीं करेगा, और ज्यों का त्यों रहेगा, चाहे 50 बरस रहे नहीं कोई लाभ नहीं पाएगा। कपट छोड़ करके जो है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, पात्रता के अनुसार उसको लाभ मिलता है। कई बार मैं देखता हूँ मेरे कार्यक्रम होते हैं और उसमें ऐसी ऐसी माताएं आती हैं जो मेरी बातें समझ नहीं सकते हैं, लेकिन उनको उत्साह रहता, बाल बच्चों सहित आए हैं, दो दो तीन तीन दिनों तक वे टिके रहते हैं। उनके मानसिक संस्कारों में अंतर आता है। मुझे स्वयं अनुभव है कि कहीं भी संत की कुटिया पा जाऊं जरूर चला जाऊं, किसी मत के संत हो, गांजा भी पीने वाले हो तो मैं सोचू ये गांजा पीते हैं लेकिन फिर भी संत है। उनका गांजा तो मैं नहीं पीता था, लेकिन उनके पास जा करके बैठ करके जो कुछ वे राम रहीम कहते थे सुनता था और अच्छा लगता था। तो पात्रता के अनुसार सबको लाभ होता है संतों से। एक ही तो आधार है संत, और कहाँ क्या आधार है, और तो केवल धंधा है, व्यवहार है, पेट धंधा है, राग द्वेष है, कलह कल्पना है। एक संत आधार है जहाँ से हमें आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है। मत मतांतर अनेक हैं, कोई सगुण उपासक है, कोई निर्गुण उपासक है, कोई साकार उपासक है, कोई निराकार उपासक है, कोई परोक्ष में खोजता है, किसी को अपरोक्ष बोध है, ये नाना प्रकार के हैं। लेकिन जितने प्रकार के हैं सबसे जिज्ञासुओं का लाभ होता है। आरंभ में तो कहीं से भी कोई मीठी बात मिलती है, आधार कुछ हो सगुण निर्गुण, लेकिन शील क्षमा दया प्रेम समता करुणा संतोष ये सभी वर्ग के संत कहते हैं और यथाशक्ति धारण करते हैं। इसलिए एक संत ही आधार हैं जहाँ से मनुष्य को सही प्रेरणा मिले। अब संत वेश में आकर के गड़बड़ करते हैं तो खिन्नता होती है, और ऐसे भी बहुत लोग हैं। आँखों से देखने में ज़्यादा ऐसे लोग आते हैं, अच्छे लोग हैं वो देखने में कम आते हैं, क्योंकि उनका आप क्या देखें,
कोई गांजा पीता है तो आप देखते हैं गांजा पी रहा है, जो गांजा नहीं पीता है उसकी अच्छाई आप कैसे देखेंगे, इतने जानेंगे भाई गांजा नहीं पीता बस। ज्ञान की बात, स्थित की बात तो अंदर है। समुद्र के पास जाने से पानी के ऊपरी सतह पर झाग, घास, काष्ठ ये सब तैरते दिखते हैं। मोती समुद्र के पेट में रहता है। तो इसी प्रकार जो संतों की रहनी है उसकी गहराई है वो बाहर से कम दिखाई देती है। जहाँ तक धर्म के क्षेत्र में दुकानें बड़ी बड़ी, जहाँ पर बहुत जालसाजियाँ और बकवास, ये देख करके लोग खिन्न होते हैं और कहते सब ऐसे हैं। सब ऐसे नहीं, अच्छे संत आज भी हर संप्रदाय में मिलेंगे, हर संप्रदाय में अच्छे संत मिलेंगे। अच्छे संत का लक्षण है काम क्रोध लोभ मोह में न रहना, राग द्वेष में न रहना, शांत चित्त हो करके साधना करना, सगुण उपासना करता है कोई अर्ज नहीं। श्री राम को मानता है, श्री कृष्ण को मानता है, अल्लाह को मानता है, नमाज पढ़ता है, कुछ भी करता है। जिसकी रहनी पवित्र है, शांतात्मा है, सब प्रेरक हैं समाज के। एक ही आधार है संत धर्म, जहां से शीतल फव्वारा मिलता है और ये जलता हुआ चित्त शीतल होता है। मैंने यहां के संदर्भ में कहा कि संस्था कायम करने का उद्देश्य ही है अध्यात्म का सही रूप में प्रचार करना, स्वयं उसमें शक्ति चले तक आचरण करना और उसी को बताना, समझाना वाणी से, पुस्तक से, पत्रिका से। तो ये संस्था अध्यात्म की ही है। सभी जो धार्मिक संस्थाएं होती अध्यात्म की होती है अपने अपने ढंग से, और जीवन में यही मुख्य है। कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं। तो क्या जीवन है? कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, और जिए आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण का अर्थ ही है अपने आप का उद्धार। उद्धार ऊपर उठना। मानसिक दलदल में सब जीव धसे। कल एक भक्त मिलने आए, बुजुर्ग इलाहाबाद से। मैंने कहा आप सब कुछ हो गया है, शांत लो। कहे महाराज एक क्षण नहीं मन ठहरता। हकीकत उन्होंने कही, वो काम लोग नहीं करते। जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है? अपना मन स्वस्थ होना। अंतिम बात है मन बिल्कुल सरल, शांत, स्वस्थ। जब चाहे संकल्प छोड़ के बैठ जाए, ये शक्ति अंतिम बात है। कोई भी कर सकता है। बैठा संकल्प शांत, कोई उधम बान नहीं मन का, शांत शांत शांत। कारोबार करता है, काम करता है, कोई विकार नहीं, कोई उद्वेग नहीं, कोई उलझन नहीं, क्योंकि सब झूठा है। उसको हर समय सब कुछ झूठा लगता है। सद्गुरु ने कहा है, झूठ झूठा के डारहू, मिथ्या यह संसार, तेही कारण मैं कहत हूँ जाते हुए उबार। जो कुछ तुम्हें उपलब्ध है सब झूठा है, और झूठा करके उसका मोह छोड़ दो। साहब कहते मैं इसलिए कहता हूँ जिससे तुम्हारा उद्धार उबार हो जाए। जाते हुए उबार, उबार नाम ऊपर उठना। डूब रहे हो, ऊपर उठ जाओ। हमारे गुरु जी का शरीर छूटे 8 वर्ष हो रहे हैं, 8 वर्ष हो गए करीब। उनका कुछ नहीं रहा, हमारा कैसे कुछ रहेगा?
इस शरीर को पैदा करने वाले माता पिता बहुत दिन पहले चले गए, पिता पितामह दादा बाबा औ परपाजा जिनके यह भुई भाड़े हो, आंधर भे यु की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो, ई संसार असार को धंधा अंत काल कोई नाही हो, उपजत विनसत बार न लागे ज्यो बादर की छाई हो, नाता गोता कुल कुटुम्ब सब इनकर कौन बड़ाई हो, कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो, एक राम के भजन बिना सब चतुराई डूबी है, बड़ा ऐश्वर्य बड़ा मालामाल, गृहस्थों के घर में बड़ी संपन्नता, महात्मा के आश्रम में बड़ी संपन्नता, जीवन में संपन्नता है कि नहीं, मकान बड़ा बन गया, आश्रम बड़ा बन गया, लोग बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं अपने आप अकेला हूँ, मैं अपने को देखूँ मेरे में संपन्नता है कि नहीं, संपन्नता है तृप्ति, हर समय लगे तृप्त, कुछ नहीं चाहिए, जो सहज भोजन वस्त्र है वो तो मिलता रहता है, हाथ पैर सबको मारना चाहिए, किसी को आलसी होकर नहीं बैठना चाहिए, काम करो, भोजन वस्त्र मिलेंगे, असली काम है मन का शीतल रहना, मन का शांत रहना, धीरे धीरे मौत का टाइम आ रहा है, अकेले में बैठो कल्पना करो कि मौत का समय आ गया है, तब कैसे लगेगा, आएगा, लोग अपने को झुठलाते हैं, धोखा देते हैं, अरे अभी मौत कहाँ, जब आएगी तब आएगी, एक प्रमादी तो ऐसा कहे मौत कैसे, मौत की कल्पना नहीं करता हूँ, मरने लगूंगा उठ करके बैठ जाऊंगा, कैसे मरूंगा, और उसको जवानी में लकवा मार दिया और कुछ दिन में मर गया, तो लोग कहें अब कैसे पूछे कि तुम कैसे मर गए, जिससे राम नहीं बचे, कृष्ण नहीं बचे, मोहम्मद ईसा नहीं बचे, बुद्ध महावीर कबीर नानक नहीं बचे, और नाम कितना लिया जाए, राजे महाराजे नहीं बचे, उससे हमारा शरीर बच जाएगा, रात दिन गल रहा बच करके क्या करेगा, और दुख होगा, लोग बहुत दिन जीना चाहते हैं, बहुत दिन जी करके क्या होगा, जीना चाहिए स्वच्छ मन से, जितना जीवन हो बहुत है, जीवन का परम फल है मानसिक शांत, अध्यात्म की उन्नति यही है मानसिक शांत, जिसे प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है, आत्मा नित्य प्राप्त है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, ब्रह्म को पाना थोड़े है, ब्रह्म कहीं बिछुड़ा है, इस पर वो घटना मुझे याद होती है जो बहुत पुरानी हो गई है, 45 वर्ष से तो कम नहीं होगी, अब मुझे ख्याल आता है जैसे छत्तीसगढ़ की ही घटना हो, धुधुलके में है लेकिन लगता है वहीं की, किसी जंगली क्षेत्र में मैं था, प्रवचन करके उठा, बड़ा कार्यक्रम था, उठा और शाम का टाइम था, बिल्कुल दूर चला गया एकांत, तो मैदान था खूब और फिर झुरमुट था, और अकेले गया था और कोई साथ में नहीं था, झुरमुट में बैठ गया ध्यान में, तो एक 20-22 बरस का जवान मुझे खोजते खोजते वहां पहुंचा, पता लगाते लगाते, जब सामने खड़ा हुआ तो आहट आई, तो मैंने आंखें खोली, मैंने कहा तुम क्यों आए, बड़ी भावुकता से उसने कहा महाराज परमात्मा कब मिलेगा, तो मैंने कहा परमात्मा की बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ तो मैं मिलने की तारीख बताऊं, तो ठग मारा खड़ा, तो मैंने कहा बैठ जाओ, बैठ गया, बातचीत हुई, उसको संतोष हुआ, फिर वो कभी नहीं मिला उस ढंग से, अब जवान हो गया हो फिर बुजुर्ग हो गया हो अब, और मिलता हो न बताता हो बात अलग है, लेकिन तब से मुझे नहीं याद है कि फिर मिला, लेकिन उसको लगा कि ठीक कहते हैं, अभी एक वर्ष पुरानी घटना है, दो वर्ष डेढ़ वर्ष,
कोरबा के पास, वो भी जंगली क्षेत्र में था, कार्यक्रम में एक बूढ़ा और उसके कई साथी आए, वेद के 3 मंत्र लिख करके लाए। कहे महाराज इसका अर्थ हम जानना चाहते हैं। तो एक मंत्र का अर्थ करने लगा। कहे नहीं महाराज इसकी जरूरत नहीं है, जो आगे है वो। हम कहे तो प्रश्न करो, वेद मंत्र अर्थ आप नहीं जानना चाहते, कोई प्रश्न है? कहे हाँ महाराज, जो अगला मंत्र है उसमें लिखा है कि ब्रह्म के 3 पाद अमृत में स्थित है और 1 पाद में ये प्रकृति है, जगत है। ये तो बहुत प्रसिद्ध चर्चा है वेद की। ब्रह्म के 3 पाद अमृत में स्थित है और 1 पाद में ये जगत प्रपंच है, पाद नाम हिस्सा। 1/4 में जगत है ब्रह्म के, और ब्रह्म के 3/4 में अमृत है, उसी अमृत में ब्रह्म के 3 पाद स्थित है। तो कहे महाराज ये 3 पाद कहाँ है जहाँ अमृत है? तो मैंने कहा कागज में और कहीं नहीं। तो कहे महाराज तो अमृत कहीं है ही नहीं है। हमने कहा आप में है। तो कहे अनुभव नहीं होता है। तो मैंने कहा अहंकार कामना छोड़ दो पूरा का पूरा, तब अनुभव होगा। तो स्तब्ध हो गया बूढ़ा। कहा महाराज संतोष हो गया, अब करना है, अपने मिलेगा। हम तो समझते थे वो कहाँ है, वहाँ चल करके मिल जाएगा। अलंकारों में वेदों में बहुत बातें कही गई हैं, उसका मर्म न जाने। जैसे कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने से मोक्ष होता है, दक्षिणायन में मोक्ष नहीं होता। अब तो दक्षिणायन हो गया होगा, दक्षिणायन चलता होगा, उत्तरायण में मोक्ष होता है। कबीर साहब ने व्यंग किया है, लागी आग समुद्र में कांदो जरिबई छार, उत्तर दिश का पंडिता रहा विचार विचार। समुद्र में आग लगी, कीचड़ जल करके राख हो गया, और उत्तर दिशा का पंडित पोथी विचारते रह गया। ये शब्द का सामान्य अर्थ है, लेकिन मर्म का अर्थ है हृदय रूपी सागर में ज्ञान वैराग भक्त की आग लगी और आगत द्वैष आसक्ति मोह ममता अहंकार कीचड़ जल करके राख हो गया। बस जीव कृतार्थ हो गया। लेकिन उत्तरायण में शरीर छोड़ करके मुक्त की आशा रखने वाले पंडित लोग पोथी विचारते रह गए। कितना बड़ा व्यंग है, कितना मधुर व्यंग है और कितना मार्मिक है। ये सूरज उत्तरायण होगा तब शरीर छोड़ने से मोक्ष होगा? महाभ्रम है। मैंने उपनिषद सौरभ में सब लिखा है। उत्तरायण में, उत्तरायण का मतलब है उत्तर का मार्ग, उत्तर परिपक्व पक्ष होता है जीवन के। परिपक्व पक्ष में मोक्ष होता है जब जीवन में परिपक्वता होती है। परिपक्वता का अर्थ है मोह छूट जाना, पूरा मोह छूट गया, परिपक्व हो गया, तब मोक्ष होता है। सूरज के उत्तरायण होने से नहीं, सूरज ज्ञान है, ज्ञान उत्तरायण में हो। चंद्रलोक स्वर्गलोक है, ये बात आती है वैदिक साहित्य में। चंद्र मन है, मन शीतल हो गया स्वर्गलोक हो गया। स्वर्ग का अर्थ ही है अपने में लौट आना। स्वर्ग स्वग स्वर्ग, स्व में गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग है। विकुंठ हो जाना, कुंठा रहित तो हो जाना, ग्रंथ रहित तो हो जाना वैकुंठ है। जीवन का परम सुख मन का निर्वासनिक होना है, शीतल होना है, सरल होना है, पवित्र होना है। अध्यात्म की उन्नति यही है। परमात्मा तो नित्य है ही। स्वामी शंकराचार्य ने तो आत्मा को बारंबार परमात्मा परमात्मा कहा, नहीं तो पर आत्मा कहा, उस पर आत्मा को, उस पर ब्रह्म को जो प्रत्येक भिन्न है। प्रत्येक भिन्न संधि में कहते हैं, पदच्छेद होगा तो
तो प्रत्येक अभिन्न, प्रत्येक नाम भीतर, अभिन्न नाम एक, जो भीतर में बैठा हुआ आत्मा है ब्रह्म, उससे अभिन्न है। ये शंकर स्वामी बारंबार कहते हैं। मैं अभी एक महीना पूर्व से एक पुस्तक लिखता हूँ, आदि स्वामी शंकराचार्य क्या कहते हैं, बुद्ध क्या कहते हैं, तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, तो छपी है पुस्तक, उसका दूसरा या तीसरा संस्करण हो गया है। और फिर मुझे सूझ हुई कि बुद्ध और शंकर दोनों अद्वितीय पुरुष हैं अपनी जगह पर, तो स्वामी शंकर क्या कहते हैं। विवेक चूड़ामणि उनकी मुख्य पुस्तक है अश्लोकों की, तो उसी पर मैं भाष्य लिख रहा हूं। बारंबार ये बात आती है, उसका मोक्ष नहीं होगा जो ब्रह्म को बाहर खोजता है। मोक्ष का साधन है प्रत्येक भिन्न बोध, प्रत्येक भिन्न बोध, प्रत्येक भिन्न बोध, यानी प्रत्येक अभिन्न बोध, प्रत्येक भीतर। प्रत्येक का मतलब होता लौट आना, अपनी तरफ आ जाना, उसका लाक्षणिक करता है अंतरात्मा। अंतरात्मा परमात्मा है। इस ढंग के अपने अपने रूप में, और सगुण उपासक भी अंत में कहते हैं भाई भगवान तो अंदरे में। तो इसलिए परमात्मा पाने के चक्कर में कोई न रहे। अमृत कहीं ब्रह्म के तीन पाद स्थित हैं अमृत में, तो उसको लेकर के सीधा भूख का खोजे कि बद्रीनाथ के तरफ है कि कहाँ है, बाहर कहाँ है, जहाँ आप बैठे वहीं है अमृत, आप खुद हैं। मन शीतल हो जाए अमृत हो जाए, मन शीतल न होगा कहीं अमृत न मिलेगा। है आबोहवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जिसे कश्मीर उसे कहते हैं। इसलिए सब नर नारी साधु गृहस्थ इस पर ध्यान दें, अपनी तरफ लौटें, साधना में लगें, कस करके मन को निर्मल बनाएं, मौत के दिन की याद करें, रोज लेटते समय समझें शरीर मर गया, डरें ना कि मर जाएंगे, ऐसा सोचेंगे तो मर जाएंगे। मैं तो बहुत थोड़ी उम्र से मरण भावना करता हूँ। मैं सदगुरु कबीर के विचारों को 17-18 वर्ष की उम्र के बीच में पाया। उसके पहले मेरी उपासना चलती थी राम कृष्ण विष्णु शिव, ये चार के, ये चार भगवान मेरे थे, और चारों में कोई छोटा बड़ा नहीं लगता था। संध्या उपासना, नाम जप, मंत्र जप, गायत्री जप, राम नाम जप, ओम नमः शिवाय जप, खूब डटा रहता था। रात में सोते समय 27 दाने की सुमिरनी होती थी, वो सुमिरते सुमिरते बस नींद आ जाए तो सुमिरनी छूट जाए, सुमिरते सुमिरते यहाँ दोनों उंगलियों में घट्ठा जैसा हो गया था। इसी दरमियान में 17-18 वर्ष की उम्र के बीच में पारक सिद्धांत के विषय में सुनने लगा, तो सदगुरु श्री राम सूरत साहब एक कुटिया पर थे, मैं पहुँचा, दर्शन पाया, कुछ सत्संग हुआ, बुलाया, तो 10-15 दिन के बाद आए, तो गुरु जी आए और हमारे बड़े गुरु भाई जो पास में बैठे हैं ये आए, ये साहब के भंडारी थे। साहब गए अंदर में बैठ के भोजन बनाए, जब गुरु जी भोजन करने गए तो वहाँ रुद्राक्ष की माला 108 दाने की टंगी थी और कंबल की आसनी, तो उन्होंने पूछा कि इससे तुम पूजा करते हो कि तुम्हारे पिता, तो मैंने कहा मैं करता हूँ, तो उन्होंने कहा इसी ने मुझे यहाँ लाया है, तुम कुछ न करते तो मुझे भी न पूछते। फिर उन्होंने जब दूसरे दिन चले तो कहा कि अब तुम्हारे यहाँ मैं आ गया, तुम हमारे यहाँ आओ, तो बढ़हरा में सत्संग सम्मेलन था, फिर मैं गया, फिर जुड़ गया, और बस वही अटकाव जिसे नए लोगों को होता है, भाई ये भगवान के नहीं मानते हैं, अच्छे तो हैं ये संत लेकिन भगवान के नहीं मानते, ये बड़ा गड़बड़ है। धीरे धीरे जब समझा तो लगा ये तो असली भगवान मानते हैं। फिर 2 महीने में हमारा सब समाधान हो गया
और सदगुरु के चरणों में निष्ठा हो गई और 3 वर्ष में साधना करते करते मेरे मन में होने लगा। पहले तो भक्ति भावना थी कि भगवान के दर्शन करना है, अब ये हुआ कि भाई अंतिम काम ये घर में ना होगा। ये नहीं मैं कहा आप लोग घर छोड़ दीजिए, घर में रह के कीजिए। तो जितना मोह मुझे था तो लगता था ये छूटेगा कैसे, मैं व्याकुल हो जाता था, रात में रोने लगता था अकेले में, कैसे छूटेगा। 3 वर्षों में छूट गया और मैं यही संकल्प करता था कि जब पक्का छूट जाएगा मन से तब निकलूंगा, मेरे मन में मोह का सिहरन थोड़ा भी कभी ना हो, तब निकलूंगा। और वैसे निकला और सचमुच में 1 सेकंड के लिए उधर के लिए मोह का सिहरन नहीं हुआ। तो ये धीरे धीरे इस ढंग का रास्ता मिला और पाया। कबीर साहब का इतना उद्दात विचार, इतना निर्मल विचार, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। पारक सिद्धांत सदगुरु कबीर के विचारों का मूल है। फिर और भेद प्रभेद कबीर पंथ में बहुत है। आश्चर्य का विषय है कि हजारों वर्ष के पूर्व के संप्रदाय में जितने भेद हैं उतने भेद ये 500 वर्षों के अंदर में कबीर पंथ में उतने भेद की शाखाएं हैं। इसका मूल कारण क्या है? कबीर साहब की व्यापकता, कबीर साहब का व्यक्तित्व और कबीर साहब की वाणी का विकास इतना है कि उसको एक फ्रेम में कोई नहीं कर सकता है और विवाद रहित नहीं कर सकता है। उसमें विवाद रहेगा ही, क्योंकि अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार साहब को गढ़ के लोग रखेंगे। जो जितना व्यापक होता है उसके बाद में बहुत विवाद हो जाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कबीर साहब ये थे तो कोई कहता ये थे, तो ये भी उनकी विशेषता है, बहुआयामी व्यक्तित्व। लेकिन ये सब के बीच में जो स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़ा है वो पारक सिद्धांत है, स्वरूप ज्ञान, जड़ चेतन का निर्णय। और कितने बिल्कुल अपरिचित लोग पुस्तकें ले जाते हैं, पढ़ते हैं, खुशी से पत्र भेजते हैं, मिलते हैं कि ऐसा निर्णय कहीं नहीं पाया और जानते भी नहीं थे हमारे सिद्धांत को। तो कबीर साहब का पारक सिद्धांत इतना साफ है, आडंबर रहित, तथ्यात्मक, कि इसका जितना प्रचार प्रसार हो समाज अंधविश्वास से उतने अंशों में ऊपर उठेगा। अंतिम बात यही है, जो बन सके दूसरे की सेवा करें, प्रचार प्रसार गृहस्थ विरक्त दोनों से होता है। अंतिम बात अपने कल्याण को सबको सोचना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि मैं मरण भावना की साधना करता था घर में रहते रहते, लेट जाऊं कल्पना करूं मेरा शरीर मर गया, मिट्टी हो गया, 10 दिन हो गए ये सब सड़ रहा है, जला दिया गया, राख हो गया, ऐसी कल्पना करूं, मन एकदम शांत हो जाए और ये भावना, ये साधना मेरा सब समय चलता रहा, आज भी चलता है, शरीर मर तो नहीं गया, बदल तो रात दिन रहा है और मरेगा जरूर। तो मरण भावना करने से कोई तुरंत मर नहीं जाता है, अशुभ नहीं है ये शुभ है। जो जीवन के आखिर में होने वाला है उससे आंखें मीचना कितना घोर अज्ञान है। जीवन भर की पढ़ाई का रिजल्ट मृत्यु के समय आना है, वो तो खुशी का दिन होना चाहिए, हमारे मृत्यु का दिन हमारे लिए त्यौहार होना चाहिए, पर्व होना चाहिए। इसीलिए तो साहब ने कहा, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हों कब पाई हों पूरन परमानंद। और सबको वहां पहुंचना है, इसलिए अपने शरीर का अंत देखना साधना के लिए बहुत जरूरी है। अपने शरीर का अंत जो देखता है वो पाप नहीं करता है। क्या वो भाई का धन मारेगा? क्या वो गुरु से संत से दुर्व्यवहार करेगा या किसी सज्जन से दुर्व्यवहार करेगा? क्या इंद्रिय मन को वो विकारी बनाएगा
जो मौत की याद करेगा वो पाप नहीं करेगा। मौत की याद करें, अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, साधना करें, अपने को समेटें। जो मैंने बीच में कहा था कि यह शक्ति हमें प्राप्त होनी चाहिए कि हमारा मन निर्मल हो और जब चाहें तब संकल्प शून्य कर दें। संकल्प शून्य अवस्था को निर्विकल्प अवस्था कहते हैं, असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, सहज समाधि कहते हैं। ये जीवन की साधना की परम ऊंचाई है और ये कोई अद्भुत नहीं है, कोई अलौकिक नहीं है कि अमुक को मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा। आपके दिल की चीज है। मोह माया जितनी घटेगी उतना मन सरल होगा, बिल्कुल निर्माया मन हो गया, संकल्प शून्य होकर के स्थिर हो जाएगा, व्यवहार काल में भी वो निर्विकार होकर के रहेगा। इस प्रकार जिसका मन निर्मल है, निर्ग्रंथ है, कॉम्प्लेक्स फ्री है, शांत है, सुबस है, जीवन में वही सुखी है। यह काम हमें और आपको सबको करना चाहिए और इसी की प्रेरणा के लिए संस्थान कायम हुआ। यहाँ के साधु भक्त सज्जन ये काम करें और प्रेरणा स्वयं लें और प्रेरणा दूसरे को दें। अपने कल्याण का काम करें और दूसरे के कल्याण में सहयोगी हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।